पता नहीं शायद मेरा आज आखिरी दिन होता है या क्या होता है, आई डोंट नो। बता रही हूँ आज मैंने सच में ना मौत देखी अपनी आंखों के सामने। मुझे नल्ले थे, नल्ले हो और नल्ले ही रहोगे। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस ठंडा लग रही है मेरे को आज। मतलब सुबह सुबह आई हूँ ना तो ऐसे ठंडा ठंडा लग रहा है, मेरे तो गूज बम्स हो रहे हैं, मतलब ठंड हो गई। मुझे ना ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, और आज मैं खुद थोड़ा लेट आई हूँ, 6:15 निकली हूँ मैं घर से, ताकि थोड़ी सी लाइट हो जाए तो प्रॉपर मैं मतलब बिना डर के जा पाऊँ। और बस शिवने भी हिल रही थी तो उसको ये रहता है ना, अगर मैं साथ में रहती हूँ ना तो उसको पता नहीं क्या होता है, तो वो आराम से सोई रहती, लेकिन अगर मैं उठ जाऊँ ना फिर उसको लगता है आगे पीछे खाली खाली है, तो फिर उसको ना दिक्कत होती, फिर कभी इधर कभी उधर ये वो, फिर उठ के एकदम से आएगी मेरे ऊपर आ गया ऐसे सिर रखेगी और सो जाएगी। साहिल को बोल के आई हूँ कि ध्यान रखो उसका, मैं आती हूँ। तो बस अभी मैं निकली हूँ, और टच वुड भगवान की दया साथ मुझे कुत्ता नहीं मिला कोई, वो जो पीछे आता वो तो नहीं मिला खासकर। और बस अभी जा रही हूँ अपने पार्क में, वर्कआउट करूंगी, वॉक करूंगी, फिर आऊंगी वापस। लव यू ऑल, रब रखा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरा वर्कआउट हो गया कंप्लीट, कंप्लीट तो नहीं हुआ, पूरा तो नहीं करती, थोड़ा बहुत ही करती हूँ, बट किया है। वॉक हो गई है डन, अभी जा रही हूँ घर, थक गई हूँ, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। थका देती हूँ भाई, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा थक जाती है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती है मेरी बॉडी। ओफ मम्मी कैसी बात होती है ना, कुछ भी होता ना हमारे साथ, हमारे मुंह से पहला वर्ड माँ ही निकलता है, माँ मम्मी। हो चलो हैनी विच वे, चलो गाइस घर जाके फिर मिलती हूँ आपसे, लव यू ऑल। आज घर में ना वो आग वाला इंसिडेंट हो गया था ना, तो बस मैं वही साहिल को बताती हूँ, और साहिल मुझे बता रहे थे कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। एक्चुअली जब वो इंसिडेंट हुआ था ना तो साहिल सोए हुए थे उस टाइम, और जब हम घर पे आए तो मम्मा ने आलू बॉईल कर दिए थे, पापा के लिए ब्रेकफास्ट में बन रहे थे चावल के आटे के चीले, क्योंकि पापा यूजुअली यही खाते हैं। बस हम लोगों ने भी अपनी ब्रेकफास्ट किया, और मैं हो गई हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ मायके, और पहले जाऊँगी शिवन्या को लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी घर, और बस मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया, पौना एक हो गया, तो 1 बजे शिवन्या को पिक करना होता है, इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ, और बस मिलती हूँ आपसे रास्ते में। आज घर में ना एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया ना सच में, मतलब मैं कैसे बची हूँ मुझे पता ही नहीं है। बिकॉज क्या हुआ कि मैं ना शिवन्या के लिए आलू बना रही थी, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने सिर्फ कढ़ाई निकाली और मैंने कढ़ाई गैस पे रखी, अभी मैंने उसमें कुछ नहीं डाला था, ना तेल ना पानी, तो डालते नहीं, तेल ही डाल। और हुआ क्या कि मैं आलू ना छील रही थी और मेरी अचानक नजर पड़ी तो ना कढ़ाई में आग लगी हुई है, मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, मैंने ना एकदम से कढ़ाई उठाई, थोड़ी सी आग लगी थी ऐसे हल्की सी ना, कोई मतलब एक हाथ जितनी आग कढ़ाई के ऊपर थी, तो मैंने ना कढ़ाई उठाई और मैंने वॉश बेसिन के अंदर रख दी, मतलब सिंक के अंदर रख दी, और उसमें मैंने ना नल खोल दिया ताकि पानी आए तो वो बुझ जाए आग। बट हुआ क्या कि जैसे ही पानी पड़ा ना, अरे बाप रे यार, मैं बता नहीं सकती हूँ, जो आग का ऐसे एकदम से लपटे निकली है ना, मतलब मैं ऐसे बिल्कुल पास में सिंक के इधर खड़ी हूँ मैं, और इधर खड़े होके मैंने सिर्फ कढ़ाई में वो रखा है पानी डाला है। मैं बता रही हूँ आज मैंने सच में ना मौत देखी अपनी आंखों के सामने, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस हो गया, मैं मतलब किसी को नहीं देख पाऊंगी दोबारा। जैसे वो हुआ ना, विद इन सेकेंड, फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड में, मैं बता रही हूँ मतलब एक तो डर, और ऊपर से मेरे पीछे ना हमारी जो हाउस हेल्पर है वो भी खड़े थे, वो तो काफी देर तक ऐसे बोलते रहे, कहते दीदी मेरी टांगे अभी भी कांप रही है, ये जैसे आग देखी है हमने। मेरे को भी काफी देर तक ना वो सब ऐसे आंखों के आगे ऐसे, अभी भी मैं सोच रही हूँ बात कर रही हूँ मेरे घूस बमजोर है, इतनी ज्यादा आग पकड़ी, पूरी अलमारी को ऐसे टच करके आई, पूरी अलमारी हमारी काली होगी, मतलब अलमारी है बट वो बिल्कुल ब्लैक होगी एकदम से,
मुझे समझ, मम्मी पूजा कर रही है, पापा है नहीं घर पे, साहिल उस टाइम सोए हुए थे, शिवन्या भी मेरे साथ खड़ी थी। अरे यार, मतलब एकदम से ना ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ज्यादा मैं डर गई ना उसके बाद। तो उसके बाद ही मुझे काफी टाइम लगा रिकवर करने के लिए। मैं वही सोचू, मैंने कहा जो लोग ऐसे होते हैं ना, कि मतलब जो लोग इस तरह से मरते हैं, जिनको जलाया जाता है खासकर, यार उनकी क्या हालत होगी होगी, जो कोई जो जल जाते होंगे किसी वजह से। बट यार इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ है आज मुझे, आज मैं सच में मरते मरते बची हूँ। पता नहीं, शायद मेरा आज आखिरी दिन होता है या क्या होता है, आई डोंट नो। बट जो मैंने देखा है ना, जो मैंने आज फेस किया है ना, वो मैं ना बातों में भी नहीं बता पाऊंगी। बिकॉज वो जो आग की लपटें देखी है ना, और आग वो थोड़ी ना थोड़ी वाली ना, इतना ज्यादा ऐसे, और बिल्कुल मेरे फेस के इधर। वो पता नहीं कैसे माता रानी ने मेरे को बचाया है, नवरात्रे चल रहे हैं तो सच में माता रानी ने ही बचाया, अदरवाइज पता नहीं क्या होता मेरे साथ। चलो भाई, शिवन्या का स्कूल आ गया, मिलती हूँ आपसे उसको लेकर। हम आ गए अभी घर। आराम से। ये भारी है बेटा, ये भारी है, आपसे नहीं उठाया जाएगा, देखो ठीक है, भारी है। हाँ। वो कौन आ गया उधर, वो देखो जरा, कोई आया उधर? पिकू कहाँ गया? पिकू पुप गया कहाँ? शिवन्या ने नानू को देखा स्कूटी पे और वो मगर हो गई, मुझे झूठा लेना है। मजा आया? शिवन्या का अपना शुरू हो गया इधर। हाय मम्मा। हाय बेटा, कैसे हो? सब आपको बहुत पूछते हैं, आपके लिए सच में बड़े लोग पूछते हैं मेरे से। अच्छा? मतलब बहुत लोग, नेहा दीदी मम्मा कैसे हैं, मम्मा कैसे हैं। तो देख लो भाई, शी इज फिट एंड फाइन, परफेक्टली फाइन। और ये कौन है चुंदर काका? ये ड्रेस इसकी ना, इसके पापा लाए हैं इसके लिए। कितनी सुंदर ड्रेस है। मम्मा ने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी तो मैं गई, तो मैंने कहा चलो मैं ही तड़का लगा देती हूँ। दाल को तड़का वड़का लगाया, चावल बनाए, और बस लंच वंच करके हम लोग कोंको कहीं बाहर जाना था, मार्केट में कुछ ज़रूरी काम था, तो बस मम्मा शिवन्या के साथ बैठे हुए थे अंदर। इस दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको ना अच्छा बनने का दिखावा नहीं करना पड़ता है, और एक उस टाइप के लोग होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उनको बहुत दिखावा करना होता है कि लुक I am the best। कुछ लोग ना आस्तीन के सांप की तरह होते हैं, आस्तीन का सांप, समझ रहे हो? मेरे आगे पीछे भी हैं वो लोग, और मेरे मुंह पे ऐसे हैं कि जैसे नेहा वो बंदा तेरे लिए ठीक नहीं है ना, नेहा ये चीज ना तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वही लोग मेरे लिए ठीक नहीं। और पता है मुझे ना डे वन से उनकी रियलिटी पता है, डे वन से। वो जितना मर्जी दिखावा कर ले कि भाई हम तेरे लिए बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारे लिए शुभ चिंतक है, लेकिन हमें पता है कि भाई डंक कौन मारता है और कौन मार सकता है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, मुझे दोनों तरफ की फैमिलीज बहुत अच्छी मिली हैं, मायके वाली भी, ससुराल वाली भी। बट कुछ लोग हैं जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हमारे आगे पीछे ही हैं, आपके भी आगे पीछे होंगे ऐसे बहुत से लोग, जो जिनको ऐसा लगता है कि वो ओवर स्मार्ट हैं, वो सुपर डुपर मतलब स्पाइडरमैन की तरह हैं, शक्तिमान की तरह हैं, बट अंदर से वो नल्ले होते। क्या होते? नल्ले। तो आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में भी ना कोई बंदा ज़रूर होगा जो आपके मुंह के ऊपर आपके बड़ा क्लोज बनता होगा, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता होगा, वो जो सो कॉल्ड रिस्पेक्ट होती है ना वो, और आपके मुंह मोड़ते ही आपके पीछे वो सबको आपके खिलाफ भड़काता होगा कि वो तो ऐसा है, या भड़काती होगी, है ना? तो मतलब होता है, बंदे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़कियाँ नहीं होती, लड़कियाँ भी होती हैं। बट मैं ना मतलब कुछ देर से सुनती आ रही हूँ कि यार ऐसा वैसा वैसा ऐसा, लेकिन मुझे डे वन से उनकी रियलिटी पता है। डोंट फॉरगेट, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपकी लाइफ में है कोई ऐसा बंदा जो मतलब आपके मुंह के ऊपर बड़ा अच्छा है और आपके पीठ के पीछे आप ही की बुराई करता है, सबको आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है?
तो मेरा बस एक ही मैसेज है ऐसे लोगों के लिए कि भाइयों और बहनों, तुम नल्ले थे, नल्ले हो और नल्ले ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है सिवाय बातें करने के, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, है ना। एंड लुक, आई एम हैप्पी। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो यार, आई एम स्टिल हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर आपकी जिंदगी में है कोई ऐसा बंदा या बंदी। उमा दीदी भी है। कहाँ है दीदी? कहाँ है दीदी? आपको कहाँ दिख रही है दीदी? दीदी, अच्छा आप कहाँ आई हो पहले बताओ, कहाँ आई हो आप? हैं? मम्मा हाउस। मम्मा हाउस? ओहो, आपको किसने बोला ये मम्मा हाउस है? ये तो पिको हाउस है, ये तो नानी हाउस है। हाँ, ये मम्मा हाउस है। ये नानी और नानू हाउस है ना। इधर कौन रहता है? दादी हाउस। ये थोड़ी ना दादी हाउस, तो उधर है सिदड़ा में। नानी चलो चलो, रुक जाना पहले, नानू को आने देना। नानू गायब हो गया ना इधर। हाय, नानू गायब हो गया। ये कह रही नानू गायब हो गया, नानू किचन में कह रही नानू गायब हो गया। ऊपर 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 ओश कर, ऊपर 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 कुट्टू। नहीं, नानी के पास जाना, नानी के पास जाना भाई उसको। और अभी मम्मी तो थोड़े नॉर्मल ही हैं, मतलब बट फिर भी मैंने कहा गाड़ी में ही जाना है, बिल्कुल नीचे है शॉप यहाँ पे। मैंने कहा चलो गाड़ी बाहर ही रुकानी है, शॉप के बाहर ही गाड़ी की जो है वो रुकती है, तो देख लेना आप अपनी चॉइस से कुछ। क्या होता है ना, जब बेटियाँ शादी हो जाती ना बेटियों की, तो फिर मुझे ऐसा लगता है माँ, खासकर माँ, ठीक है, क्योंकि ना माँ की बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, तो फिर बाद में ना कुछ ऐसे हो जाता है कि उनको, जैसे पहले शादी से पहले शॉपिंग करने जाना होता था, मैं और मम्मी जाते थे, मतलब सिटी जाना कहीं जाना था, हम लोग जाके शॉपिंग वॉपिंग करके आते थे। तो अभी क्या है ना कि मतलब अकेले मुझे भी है यार, वहाँ से सिटी आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यहाँ से जब मैं सिटी जाती थी एकदम से स्कूटी स्टार्ट की और चले गया, फिर फ्रेंड को फ़ोन किया सोनिका को, चल भाई चलते हैं, तो हम लोग चले जाते थे। वहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है, मतलब सिटी आना, सिदड़ा से सिटी आना थोड़ा सा दूर पड़ता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिवन्या, उसको भी छोड़ के नहीं आ सकती क्योंकि वो रहती नहीं है। नानी आ रही है ना, नानी, नानी को लेकर आएंगे ना नानू। बोलो बोलो नानी, आओ मेरे साथ। सोनिका भी इधर होंगी। चलो 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 चलो, लेट्स गो। किड सेक्शन ऊपर होगा, किड सेक्शन ऊपर होगा। पापा इधर जेंट्स है, ऊपर ऊपर इधर आ जाओ। नानू का हाथ पकड़ के आओ, नानू का हाथ पकड़ के आओ। शिवने ये लेनी है, बोलो नानू को। नहीं पापा रोने शुरू हो जाएंगे। चलो यहाँ पे देखो, वूलन का भी सामान आ गया भाई। मम्मा दुपट्टा उठाओ अपना। शिवन्या कम या इधर नहीं रखेंगे हम, इसका बिल कराएंगे, पैसे देंगे भाई। ये फ्रॉक ना शिवन्या ने लिया अपने लिए। शिवन्या गई है सो बार्बी डॉल बन के। अच्छा, हम गए थे थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी और ये अभी सो गई है, तो मैं गाड़ी बिल्कुल स्पीड में नहीं चला पा रही हूँ, बिकॉज अकेली सोई है ना, मेरी गोद में होती तो फिर बात और होती है। अभी ऐसे सो गई है, सो आई डोंट वॉन्ट कि इसकी नींद ख़राब हो या कुछ वैसा। देखो कैसे सोया हुआ है ये लड्डू मेरा, आराम से। मैं इधर ड्राइव करती ना आराम से सो जाती है कसम से। और अच्छा लगा, मम्मा की तबीयत थोड़ी सी बेटर थी पहले, मतलब शी कांट मूव दैट मच,
बट फिर भी बहुत आराम आराम से हम जिस शॉप पे गए थे, हम जहाँ पे गए थे ना वहां पे क्या था कि बिल्कुल शॉप का जो दरवाजा है तो वो बिल्कुल मेन रोड पे ही है। तो हम लोग वहां पे, पापा ने गाड़ी लगाई और मैं और मम्मा वहां से गाड़ी से उतर के डायरेक्ट अंदर चले गए। वहां पे देखा कुछ पसंद नहीं आया ज्यादा, बट एक दो चीज थी जो ठीक लगी तो मम्मा ने ले ली। बट चलो अभी फिर हम गए वी मार्ट, क्योंकि वहां पे भी पार्किंग है, गाड़ी लग जाती है बिल्कुल पार्किंग में और उतर के सिर्फ अंदर ही जाना है। तो वहां पे भी हम लोग गए गाड़ी में, मतलब पार्क किया पापा ने, तो हम लोग अंदर के, मम्मा बहुत धीरे धीरे उनको लिया अंदर, तो वो चले गए अंदर। और वहां जाते ही शिवन्या ने अपनी मर्जी करना शुरू कर दी, नानी हमको चाहिए है पिंक फ्रॉक। बस शिवन्या ने ले ली है अपनी पर्पल फ्रॉक, अपनी पसंद की फ्रॉक लेकर आई है 1200 रुपए की। और अगर कोई मुझे बोलता ना ये वाली लो इतने प्राइस में 1200 की, मतलब ये फ्रॉक मैं नहीं लेती। पर ठीक है, उसको अपना उसका वो है कि मतलब उसको बारबी बनना है, उसको बारबी वाली ड्रेस चाहिए है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। पूछो दादू कैसी लग रही हूँ मैं, पूछो क्या है इसमें। इसमें है डैश, ओ क्या है डैश कैन। अच्छा ढीली है, क्या हो गया इसको। सो के अभी जस्ट उठी है, उठे मछली नहीं पुआ दी है। हैं इसलिए एडजस्टेबल होता है, बट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। ये इसमें यूएसबी, यार इसमें यूएसबी वाला चार्जर लगेगा। ओके माइक भी है इसमें, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगेगा, यहाँ पे आप पीछे इसकी फुटेज देख सकते हो आगे पीछे। ओके करके ऑफ। ये ऊपर क्या है, स्क्रीन है क्या? ये है माउंट, इसको उतार के चिपकाना नहीं है। अच्छा इसकी वो भी हो गया, वायरिंग साइड में भी है। दैट्स इट। नहीं नहीं एक बॉक्स खोलना है। ओ नहीं यार गंजू का एक्शन करते हैं। हां ये सुंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों। ठीक है ये एक एक्स्ट्रा फिल्म दी, ये फिल्म शीशे पे लगेगी, इसके ऊपर ही इसको चिपकाना है, सीधा डायरेक्टली शीशे पे नहीं चिपकाना है। यूनिकॉर्न, ये इसका रियर व्यू, पीछे वाला कैमरा। मैं घर पे आई हूँ, घर पे आया हुआ एक पार्सल, आई एम श्योर मेकअप का ही कुछ होगा और मुझे लग रहा है कंसीलर होगा। इट्स अ कंसीलर, आई होप वही शेड हो जो मैंने मंगवाई हुई है। मैंने फिर से मंगवाया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, क्योंकि ये बहुत अच्छा ही है, परफेक्ट शेड फॉर मी। अपनी शेड से हाईलाइट करने के लिए एक शेड लाइट ब्लेंड बहुत अच्छा होता है। मुझे तो प्यार हो गया इस कंसीलर से, बहुत अच्छा कंसीलर है ये। नहीं बताओ को साहिल के लिए बनाई मैंने कलाड़ियाँ और बस इस तरह से हो गया दिन खत्म। ये था आज का व्लॉग, पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, रब रखा।